हाय गाइस, रोन विद यू, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज का वीडियो ना मेरे लिए तो खास है, क्योंकि मैं जिस जगह जा रहा हूँ, आपने थंबनेल देखा तो आपको समझ में आ गया रहेगा, उस जगह का और उस चीज का उपयोग मैं यूज डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हर दिन करता हूँ गूगल का। तो आज मैंने डिसाइड किया कि गूगल स्टोर जाता हूँ, वहाँ पर जाके कुछ एक्सप्लोर करता हूँ, कुछ नई चीज़ देखता हूँ और कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। और देखो, लाइफ में अपडेटेड रहना ये सबसे ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडी कितनी है मैं यहाँ पर डालता रहूँगा बीच बीच में स्क्रीन पे, तो आपको पता लगता रहेगा कि कितना टेम्परेचर रहा है और कितने टेम्परेचर में मैं न्यूयॉर्क सिटी जा रहा हूँ। सुबह से मैं सोच रहा था कि आज जाऊँ न्यूयॉर्क सिटी कि नहीं जाऊँ, कि कल गाड़ी में जाऊँ। यार नहीं, जाता हूँ आज, क्योंकि न्यूयॉर्क को जब स्केटबोर्ड पे एक्सप्लोर करता हूँ ना, तो उसका एक अलग ही मजा आता है। तो आज जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं न्यूयॉर्क सिटी को और जाते हैं गूगल स्टोर देखने के लिए। और एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, प्लीज ऑनेस्टली एकदम सच्चाई के साथ मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी डेली लाइफ में आप गूगल का उपयोग यूज करते हो कि नहीं करते हो, प्लीज ऑनेस्टली मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी अभी मेरी नज़र एक ऐड पे पड़ी और वहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर या ट्रेन के अंदर कोई भी अगर काम करता है तो उससे अगर आपने झगड़ा किया या असॉल्ट किया तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है और $15,000 तक का फाइन हो सकता है। बहुत अच्छी बात है यार। वैसे तो ट्रेन में मैंने बहुत बार ट्रैवल किया, बट सी कॉकस जहाँ पर ट्रेन रुकी थी इससे पहले वाला स्टेशन, कम से कम 15 मिनट वहाँ पर ट्रेन रुकी और इतने लोग आए ट्रेन में चढ़ गए। और शायद वहाँ पर एक फुटबॉल की गेम थी, गेम ख़त्म हुई तो सब लोग न्यूयॉर्क की तरफ आए और पूरी ट्रेन, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि पूरी ट्रेन फुल थी। वैसे मास्क काम आएगा, बाहर ठंड है और ठंड में जब मैं अपना स्केटबोर्ड लेके बाहर जाऊँगा ना तो वहाँ पर ज़्यादा काम आएगा। इसलिए मुझे मेरा स्केटबोर्ड पसंद है कि न्यूयॉर्क सिटी में ट्रैवल करने के लिए ना बहुत आसानी हो जाती है जब मैं मेरा स्केटबोर्ड लेके आता हूँ। हाँ, थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम आती है जब उसको कैरी करना है ट्रेन में, या अभी जब मैं स्टोर पे जाऊँगा अंदर घुसूँगा तो उसको कैरी करना पड़ेगा, बट ऐसी कंडीशन में जब भी यहाँ पर देखो रोड पर कितने आसानी से मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। ये मुझे टैक्सी लेनी पड़ती थी या फिर उसको गाड़ी लेके आनी पड़ती थी, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल इन न्यूयॉर्क सिटी, ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। तो बहुत भूख लग रही है, अभी यहाँ से एक पिज्जा की स्लाइस लेता हूँ, वो खाता हूँ और निकलते, क्योंकि ठंडी में बहुत ज्यादा भूख लगती है। अलावा ये और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, अभी पहुंच गया ऑलमोस्ट। अभी 5:30 बज रहे हैं, 7 बजे स्टोर बंद होएगा, स्टोर बंद होने से पहले पहुंच जाऊंगा। स्केटबोर्ड यहाँ पर है, अच्छा था, $4 का था, पेट भर गया। जब पेट भरा रहता है ना तो दिमाग बहुत फास्ट चलता है, इसलिए मैंने बोला यार भूखे पेट नहीं जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, खाने के बाद फटाफट निकलते हैं। अभी निकल ही रहे हैं। ये डोर है, आजा भाई पीछे। चलो फाइनली पहुँच गया यहाँ पर गूगल पे और मेरा स्केटबोर्ड यहाँ पर रख दिया। सिक्योरिटी गार्ड था, उसने मेरे को बोला कि यार आप रख सकते हो यहाँ पर आपका स्केटबोर्ड और आप फ्रीली घूम सकते हो, तो पहले उसको थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये है गूगल का स्मार्ट रूम। अरे भाई चुप हो जा 2 मिनट के लिए। तो ये स्मार्ट रूम में क्या है कि मतलब सब चीज़ गूगल से अटैच्ड है, इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे करना, टेम्परेचर कंट्रोल, लाइट्स ऑन ऑफ करना, साउंड को बढ़ाना कम करना, टीवी ऑन करना, दूसरे रूम में अगर कैमरास लगे हुए हैं तो उनको ऑपरेट करना, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। और बहुत सारे लोग अपने घरों में पूरा जो सिस्टम है वो लगवाते हैं।
you're able to play YouTube music, you're able to watch Netflix, you're able to navigate all the cameras, anything that you may have as part of like Google. Okay. You're able to From this one, you're able to see it. If you want, you can actually record, and it help kind of helps you like understand how everything works. Oh wow. So can you show me the bedroom camera? I'll show you right there. This is the bedroom camera. Turn it off. Okay, and yeah. this exit is also and from. And this is the exit. You just have to so start your hand. And drama. Press your hand. Mm-hmm. And the door opens. Awesome. Thank you so much. No problem. तो आपने देखा ये है Google Nest का एक example setup है. तो अच्छा लगा मुझे. ये next यहाँ पर door पे देखते हैं क्या है. और यहाँ पर हाथ में. And ये door खुल जाता है. And यहाँ पर ये gaming section है, right? Oh, अच्छा यहाँ पर game खेल रहे हैं. What's up? What's up? Are you a YouTuber? Yeah. What's your YouTube? I'll tell you guys. What are you guys playing? FIFA. Wait, FIFA? What's your YouTube? Can you type R-O-H-A-N? And the first one is me. My dear? Yeah. आके आप पैसे दे के गेम खेलने वाली जगह नहीं है ये. मतलब एक एग्जाम्पल रखा हुआ है इन लोगों ने. कंट्रोलर है अगर डील में ये भी मिल रहा है. और इसके साथ आपको एक कॉमकास्ट भी चाहिए. ये दोनों आप अटैच कर सकते हो टीवी के साथ. और आई थिंक 999 पर मंथ की बहुत सारी गेम्स मिलती हैं. आप गेम्स लेके खेल सकते हो जैसे लड़के लोग अंदर खेल रहे थे. तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार. ये सिर्फ कंट्रोलर आपको खरीदना है, दैट्स इट. और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, टीवी से कनेक्ट करना, बट स्मार्ट टीवी होनी चाहिए. और आप खेल सकते हो, राइट? ऑसम, थैंक्स. व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्सपीरियंस रूम. तो ये जो मशीन है ये मोशन डिटेक्टर आप समझ सकते हो इसको. और मोशन डिटेक्ट करके ये साउंड ऊपर नीचे करती है. और यही टेक्नोलॉजी यूज़ करके गूगल पावर भी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या पावर को भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये जो स्टोर है ये जैसे एप्पल का स्टोर होता है वैसे ही गूगल का स्टोर है. और जितना भी लेटेस्ट गूगल का इक्विपमेंट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वो यहाँ पर मिल जाता है. और अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो. अच्छा स्टोर है. मुझे लगा था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बट मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ. बट इतना ज़्यादा जितना मैं एक्साइटेड था उतना एक्साइटेड रहा नहीं, क्योंकि एक मतलब एक छोटा सा ही स्टोर है. और अच्छा है, गुड. बहुत लोगों का मैसेज आया था कि आप में गूगल के स्टोर पे जाओ, हम लोग को देखना है. तो ये रहा, देख लो. कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी. और भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है न्यूयॉर्क सिटी में या न्यू जर्सी में कुछ आपको पसंद है देखना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, ताकि अगर जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगा और आप लोगों को वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा. ये रहे गूगल के फ़ोन्स, पिक्सल 6 प्रो 899, पिक्सल 6 है 599. मैं तो एप्पल यूज़र हूँ तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो अगर किसी को पता लगाना था तो ये रहे प्राइसेस. दैट्स इट माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच. मतलब यहाँ पर आओ तो अंदर घुसते ही फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ऐसा रहता है कि यार मतलब फ्यूचर में पहुँच गए. मतलब सारी चीज़ें इतनी फ्यूचरिस्टिक है. जगह तो बहुत अच्छी है, उससे ज़्यादा अच्छे यहाँ के लोग हैं. जितने भी लोगों से मिला यहाँ पर आज, सारे के सारे बंदे, यहाँ लड़के हो या लड़कियाँ, सब लोगों ने मुझसे आके प्यार से बात किया. अगर मेरा कुछ सवाल रहा तो उन्होंने मुझे उसका जवाब अच्छे से दिया. तो यू नो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी. डू कमेंट बिलो. इतने टाइम से बाहर हूँ ना, अभी ठंड का ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है, जबकि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रही है. बारिश हो रही है कि स्नो गिर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो बढ़िया है, बट टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिरा हुआ है. आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, कल भी बहुत ज़्यादा ठंड थी. मतलब अब तो ठंड स्टार्ट हो गई, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी यूज़ टू हो जाओ जितनी जल्दी हो सकता है, वरना घर में बैठे रहो. और हम तो घर में बैठने वालों में से नहीं है, बाहर तो निकलना है ना. चलो भाई,
रेड लाइट, साइकिल के लिए भी रेड लाइट है, वो देखो वहाँ पर लिखा हुआ साइकिल के लिए भी रेड लाइट। चल भाई रेडी, देखो ग्रीन सिग्नल हो गया। बाइक लेन, तो अभी 2 मिनट के लिए रुका था मैं, क्योंकि बैग में सारा सामान रखा है मैंने, तो रुक के मैंने सर को ढक लिया। अगर ठंड लग गई ना तो बैंड बज जाएगी, ठंड तो लग चुकी है बट ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए, इतना चलता है। और अभी सीधा ही है पेंट स्टेशन पहुँच जाऊँगा, पेंट स्टेशन लेके सीधा घर की तरफ निकलता हूँ। आई थिंक 3 बजे निकला था घर से और अभी 7 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ घर जाऊँ कि कुछ और टाइम पास करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मुझे भूख लग रही है, पिज्ज़ा तो खाया था। ओह क्या बात है, दैट वॉज नाइस, दैट वॉज रियली कूल, शो मी सम ट्रिक्स, कम ऑन। ओह ओके ओके, इट्स ओके, टेक योर टाइम, कम ऑन। क्या बात है, मूड में आ गया अभी। व्हाट्स अप, कुछ करके दिखाएगा, थोड़ा आराम से, थोड़ा जोश में आ जा, चल। क्या बात है, दैट वॉज नाइस। Ooh, you have to master that. Oh, be careful. बहुत जोरदार ट्राई कर रहा है। It's okay. You're good. That's good. एक बार भी नहीं है। Good job, man. Good job. Nice meeting you guys. 7:11 की ट्रेन है, मैं पकड़ सकता हूँ। उसके बाद है 8:11 की, एक घंटा क्या करूँगा। मैं सोच रहा हूँ अभी ट्रेन ले लेता हूँ और घर की तरफ चला जाऊँगा, घर जाके ये वीडियो एडिट कर दूँगा। वैसे आज मुझे ये अपलोड नहीं करनी है, अपलोड मुझे कल करनी है। तो अगर आप आज देख रहे हैं वीडियो, ये मैंने कल वीडियो शूट की है। चलो भाई मेरी ट्रेन आ रही है ट्रैक 3 पे, चलता हूँ यहाँ से। आते वक्त भी इतनी ही ज़्यादा ट्रेन फुल थी, अब जाते वक्त भी उतनी ही ज़्यादा फुल है, बैठने की जगह नहीं मिल रही थी मुझे। मुश्किल से 2 आंटियाँ बैठी हैं, इनके बाजू में मैंने जगह मांग ली, मैंने बोला प्लीज़ मुझे बैठने दो क्योंकि मेरे पास सामान इतना ज़्यादा है। स्केटबोर्ड मैंने यहाँ रख दिया और मेरा बैग सामने रख दिया और बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। बारिश ले भाई, बारिश हो रही है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है बट ठीक है। हाँ इतना लंबा दिन नहीं था मेरे लिए, मैं 3 बजे निकला था और अभी 9 बज रहे हैं, पहुँच गया घर पे। अभी इधर रात को इस टाइम पे आता ना, अगर थोड़ी सी यहाँ पर धुंध होएगी ना तो एकदम बॉलीवुड का सेट लगेगा प्रॉपर एकदम। और हाईलाइट ये अभी कि यार मेरा स्केटबोर्ड है ना, लाइट ही नहीं है मेरे पास यार, वो दूसरे स्केटबोर्ड पे सारी लाइट्स लगी हुई हैं। अभी फ़ोन की लाइट यूज़ करनी होगी और सेफली आराम आराम से चलाना पड़ेगा। हाय मैंगो, हाय कुकू, हाय मैंगो, व्हाट्सअप बेबी, व्हाट्सअप, हाय कुकू, व्हाट्सअप। सच बताऊँ तो मैं यहाँ से उबर लेके स्टेशन जा सकता था, वहाँ से ट्रेन में आराम से जा सकता था और फिर वहाँ से भी मैं उबर लेके गूगल के स्टोर तक जा सकता था और आराम से जा और आ सकता था। बट वो जो एक थ्रिल मिलता है ना मुझे स्केटबोर्ड पे, वो शायद नहीं मिलता अगर मैं टैक्सी या उबर लेके जाता था। बट स्केटबोर्ड के साथ वो एक अलग ही मज़ा आता है। बट अभी नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगा कि जो मेरी ब्लैक वाली लेदर की जैकेट है ना, वो लेदर है बाहर उसके, बता दूँ आपको, इसके बाहर ऐसा लेदर है जो कि बहुत अच्छा है, हवा को रोकता है अंदर आने के लिए, और ये जो वुलन पार्ट है ये भी बहुत अच्छा है, कीप्स मी वार्म। आज हवा नहीं रोक रहा था, जब मैं स्केटबोर्ड लेके जा रहा था ना तो हवा अंदर घुस रही थी कहीं ना कहीं से। दोपहर में थोड़ा सा खाना बनाया था मैंने और वही पड़ा हुआ है, वही खा लेता हूँ अभी, तो कन्फर्म इतने से तो कुछ होगा नहीं, और थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। खाना हुआ नहीं है और खाने वाला हूँ थोड़े टाइम में।
लेट भी हो गया एंड आई वांट टू टेक 2 मिनट्स एंड थैंक यू ऑल जिन जिन लोगों ने भी पूछा कि रोहन टेक केयर ऑफ योर शोल्डर और आराम दो अपने शोल्डर को. हाँ, बहुत जोर का झटका बैठा था और इतना दुखने लग गया था ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ. बट बाद में मैंने रील शूट की और अपलोड भी की इंस्टाग्राम पे मेरे. प्लीज़ जाओ देखो, अगर नहीं देखी है तो उसको शेयर भी करो यार. आई विल अप्रिशिएट यू ऑल कि अगर आप लोग, मैं बहुत मेहनत से जो अपनी सोशल मीडिया को ग्रो करने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ हो सके तो जाओ उसको देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. शेयरिंग इंस्टाग्राम पे, शेयरिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आई विल अप्रिशिएट यू ऑल अगर आप लोग जाते हो इंस्टाग्राम पे एंड शेयर द रील. ओके ओके, तो व्लॉग को इधर तक ही रखता हूँ. प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा. मैंगो नहीं, उधर नहीं, मत चढ़. क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? हाँ, सुनता नहीं बात ना. वाई डोंट यू लिसन टू अस? हाँ, से हेलो, से हेलो टू एवरीबडी, से हेलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप नए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना. थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी है तो लाइक करना, बहुत अच्छी लगी है तो कॉमेंट करना. एंड दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नहीं नहीं करो एंड, वीडियो एंड नहीं करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग. आई लव यू ऑल एंड प्लीज बी सेफ. बाय बाय. बाय बोलो मैंगो. बाय कुको. थोड़ी सी कड़ूस है अपने कुको.